हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक मस्त अपडेट लेकर आया हूँ भाई लोग, मस्त वेब सीरीज का अपडेट लेकर आया हूँ जो कि अपकमिंग में देखने को मिलेगा। भाई साहब क्या खर्चा किया गया है। सबसे पहले मैं भाई लोग इन लोगों को दांत दूंगा, मतलब कि क्या खर्चा किया, क्या बजट किया गया है इस वेब सीरीज को बनाने के लिए। एक तो कॉस्ट्यूम का भाई साहब क्या लाजवाब लग रहा है। जब आप ट्रेलर देखने जाइएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आइए मैं बताता हूँ कि कौन सी वेब सीरीज है, किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, क्या स्टोरी देखने को मिलता है, सब चीज़ आप लोग के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो भाई लोग फटाफट से एक एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए, कुछ पूछना हो बताना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। दोस्तों वेब सीरीज का नाम होने वाला है पुरानी हवेली। पुरानी हवेली वेब सीरीज का नाम होने वाला है और ये वेब सीरीज आप लोग को देखने को मिलेगा किस पर, उल्लू के OTT प्लेटफॉर्म पर। अब सुनिए स्टार कास्ट कौन कौन से है। माही कौर, बाप रे बाप क्या गजब लग रही है भाई, गजब। मतलब कि बोले तो एकदम ला रैपचिक, एकदम कंटाप कंटाप और रैपचिक इनका वर्ड ये जो है शूट करता है यहाँ पर, क्या लग रही है। फिर से नताशा राजेश्वरी, जिसका नाम रिद्धिमा तिवारी भी है, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगी। उसके बाद अनिता जायसवाल, वो भी आप लोग इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेब सीरीज का स्टोरी सुनिए, अब स्टोरी क्या होने वाला है। स्टोरी में भाई साहब थोड़ा भूतिया दिखाया जाएगा। होता क्या है कि जो महल रहता है उस महल में ही अनिता जायसवाल पहले से लॉक मतलब के रहती हैं। जो मंजुलिका वाला जो मतलब के रूम रहता है, जिस पर के तांत्रिक साहब अपने तंत्र मंत्र सिद्धि से पूरा एकदम ताला मार दिए होते हैं। तब तो शुरुआत में मतलब के देखने को मिलेगा आप लोगों की रिद्धिमा तिवारी का शादी मतलब कि ब्याह होता है। तो वो हमेशा मतलब कि जैसे कोई घर में नया सदस्य आता है तो उसको सब घर का मतलब कि भ्रमण कराया जाता है ना, दिखाया जाता है कि ये बाबा घर है, ये कोना वाला घर है, ये दक्षिण वाला घर है, ऐसे ऐसे बताया जाता है ना। वैसा ही भाई साहब वहाँ भी इनको बताया जाता है कि इसमें मंजुलिका जो रहती, जो भाभी की मतलब कि बहन रहती थी, और भाई साहब वो कैसे मतलब कि मंजुलिका बन गई, कैसे उसके बाद फिर इनको भी चूल मचा रहता है। जैसे मतलब कि अनिता जायसवाल को चूल मचा रहता है कि कोई भी चीज़ को खोज जांच पड़ताल करना, वैसा ही इनको भी चूल मचा रहता है रिद्धिमा तिवारी को। तो ये भी जाकर भाई साहब क्या करते हैं कि ताला खोल देती हैं, और जैसे खोलती हैं तो भाई उधर का आत्मा इनमें समाहित हो जाता है। उसके बाद क्या होगा ये तो वेब सीरीज आएगी तब तो मालूम चलेगा। तो वेब सीरीज भाई लोग ये रिलीज होने वाली है कब, 7 जून को। लेकिन भाई खर्चा बहुत हुआ है, सीन का लेवल हो या ना हो गर्दा है भाई मेरे। मैं तो बोलूँगा कि गजब का कॉस्ट्यूम, मतलब कि ओ हो कॉस्ट्यूम तो गजब का ही ले है सब चीज़। मैं बोलूँगा बजट लगा है भाई, देख कर ट्रेलर में देख कर ही बजट का मालूम चल जाता है, ठीक है। तो यही वेब सीरीज आने वाली है जिसमें अनिता जायसवाल देखने को मिलेंगी, रिद्धिमा तिवारी देखने को मिलेंगी, फिर से माही कौर देखने को मिलती है, और भी कोई हो सकता है लेकिन ट्रेलर में तो इतना ही आदमी को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये वेब सीरीज 7 जून को आ रही है, और भाई लोग ये वेब सीरीज मिस मत कीजिएगा। सीन का लेवल हो या ना हो लेकिन मजा तो भाई साहब भरपूर आएगा, मैं तो इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इसमें जो कॉस्ट्यूम फॉस्ट्यूम जो स्टोरी है थोड़ा भूतिया स्टोरी आप लोग को, हॉरर स्टोरी देखने को मिलता है, तो मजा आएगा। और बहुत दिनों के बाद ही मतलब कि बहुत दिनों के बाद ये वेब सीरीज आ रही है जिसमें कि रिद्धिमा तिवारी देखने को मिलेंगी। और एक बात और बता दूं कि रिद्धिमा तिवारी को अभी तक आप लोगों ने फुल अनकट वीडियो देखा है कि नहीं, वेब सीरीज देखा है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं देखे होंगे तो मैं आप लोगों का इंतजाम करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी और एक बम्पर अपडेट लेकर आ रहे हैं भाई मेरे, अभी जस्ट आ रहे हैं। भागना नहीं है, सबका अपडेट लाएगा रे ये तेरा रोस्टिंग रिव्यू। एक एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इतना ही कर दीजिए। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, धन्यवाद।